एक छोटे से गांव में जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, तीन भाई रहते थे। सबसे बड़ा भाई अर्जुन बहादुर और ताकतवर था। उसे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद था। बीच वाला भाई वीर बहुत होशियार और तेज दिमाग वाला था। वो कोई भी पहेली सुलझा सकता था। सबसे छोटा भाई रघु बहुत दयालु और नेक दिल था। उसे प्रकृति और जानवरों से बहुत प्यार था। तीनों भाई बहुत करीब थे। वो अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे। वो अपने पिता के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। शाम को वो साथ मिलकर खेलते थे। जिंदगी सादी थी, लेकिन वो खुश थे। एक शाम एक अजनबी गांव में आया। उसकी चाल में एक रहस्यमयी आकर्षण था और उसकी आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वह किसी दूर देश से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने जंगल में छिपे हुए खजाने के बारे में बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो लोगों के दिलों में उत्सुकता और डर दोनों पैदा कर रही थी। उसने कहा कि यह खजाना सदियों पुराना है और इसे ढूंढने के लिए कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता था कि उस खजाने की रक्षा प्राचीन आत्माएं करती हैं। ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिन्होंने खजाने को पाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। जंगल में एक अजीब सी शांति थी, जो रात के अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। बहुत से लोग उसे ढूंढने गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। हर बार जब कोई नया खोजी जंगल में जाता, तो गांव वाले उसकी वापसी का इंतजार करते, लेकिन वह कभी नहीं लौटता। यह सोचकर गांव वालों के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अजनबी की बातें सुनकर गांव वालों के मन में डर और उत्साह का मिला जुला भाव था। कुछ लोग खजाने की कहानियों से रोमांचित थे, जबकि अन्य लोग संभावित खतरों से चिंतित थे। यह एक ऐसा रहस्य था जो सभी को अपनी ओर खींच रहा था। तीनों भाइयों को यह बात बहुत अजीब लगी। वे सोच में पड़ गए कि क्या यह खजाना वास्तव में मौजूद है या यह सिर्फ एक कहानी है। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन साथ ही उन्हें डर भी लग रहा था। अर्जुन ने सोचा कि खजाने से वो कितना अमीर बन जाएगा। उसकी आंखों में सपने थे और वह अपने भविष्य की कल्पना कर रहा था। उसे लगा कि यह खजाना उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वीर जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। उसे हमेशा से ही रोमांच पसंद था और वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे यकीन था कि वह इस खजाने को ढूंढ निकालेगा, लेकिन रघु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे डर था कि कहीं यह खजाना उनके लिए मुसीबत न बन जाए। उसके मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। उसे उन खतरों की चिंता हो रही थी, जो उनका इंतजार कर रहे थे। जंगल की अंधेरी पगडंडियां और रहस्यमय वातावरण उसे डरा रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या वे इस खजाने को ढूंढने में सफल होंगे, या फिर वे भी उन लोगों की तरह खो जाएंगे जो कभी वापस नहीं लौटे। रघु की चिंता के बावजूद तीनों भाइयों ने खजाना ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने खाना, पानी और अपने पिता के पुराने शिकार करने वाले चाकू पैक किए। डर और उत्साह के मिश्रण के साथ उन्होंने जंगल में कदम रखा। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की गंध फैली हुई थी। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। तीनों भाई आगे बढ़ते रहे। हर कदम के साथ उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए। फिसलन भरी चट्टानों की वजह से वो कई बार खाई में गिरते गिरते बचे। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचे। थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनके साहस और जिज्ञासा को दर्शा रही थी। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी बहुत पुरानी और साधारण थी, लेकिन उसमें एक अनोखी शांति और आकर्षण था। एक ज्ञानी बूढ़ा आदमी बाहर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसकी मुद्रा से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह गहरे ध्यान में लीन हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही हो। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों भाई उसे महसूस कर सकते थे। तीनों भाई सावधानी से उसके पास पहुंचे। उनके कदम धीमे और नप्पे तुले थे, जैसे वे किसी पवित्र स्थान पर प्रवेश कर रहे हों। हम छिपे हुए खजाने की तलाश कर रहे हैं, अर्जुन ने साहस के साथ कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो उसकी दृढ़ निश्चय को दर्शाती। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और उनको घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी। असली खजाना, उसने धीरे से कहा, सोने और हीरे जवाहरात से नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा से मिलता है। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जो सीधे उनके दिलों तक पहुंच रही थी। उसने उन्हें लालच के खतरों से आगाह किया।
और उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा। उसने समझाया कि सच्चा खजाना वह है जो आत्मा को समृद्ध करता है, न कि केवल भौतिक संपत्ति। तीनों भाई उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने रास्ते पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया। वे समझ गए थे कि असली यात्रा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। गुफा के इम्तिहान। ये कहानी तीन भाइयों की है जो एक प्राचीन खजाने की खोज में निकले थे। तीनों भाई पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके दिलों में एक अटूट संकल्प था और आंखों में एक चमक। उन्होंने बूढ़े आदमी को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन अपनी खोज जारी रखी। बूढ़े आदमी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन भाइयों ने हार मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें उस गुफा का प्रवेश द्वार मिल ही गया जहां खजाना छिपा हुआ था। यह एक गहरा और रहस्यमय स्थान था जो किसी भी आम इंसान को डराने के लिए काफी था। गुफा अंधेरी और नम थी। दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थीं और हर कदम पर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो गुफा खुद ही उनकी परीक्षा ले रही हो। वो सावधानी से अंदर दाखिल हुए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। गुफा सुरंगों का एक भूल भुलैया थी। हर मोड़ पर एक नई दिशा, एक नया रहस्य, हर मोड़ पर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। कभी उन्हें संकरी सुरंगों से गुजरना पड़ता तो कभी ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ता। वो एक झरझर पुल से खाई को पार करते हैं। पुल इतना कमजोर था कि हर कदम पर टूटने का डर था। उन्होंने जहरीले सांपों के एक समूह को चकमा दिया। सांपों की फुफकार और उनकी चमकती आंखें किसी भी बहादुर को भी डरा सकती थी। उन्होंने गुफा की दीवार पर उकेरी गई एक पहेली को भी सुलझा लिया। यह पहेली खजाने तक पहुंचने की कुंजी थी और भाइयों ने अपनी बुद्धिमानी से इसे हल कर लिया। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया था। चुनाव का समय। अंत में वो एक बड़े से कक्ष में पहुंचे। बीच में एक पत्थर की चौकी पर सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरा एक संदूक रखा था। नजारा देखने लायक था। अर्जुन इच्छा से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। उसने खजाने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक गुफा हिलने लगी। कक्ष में एक आवाज गूंजी। जो लोग लालच से प्रेरित होते हैं वो अपनी आत्मा खो बैठते हैं। तीनों भाई डर गए। उन्हें बूढ़े आदमी की बातों का सच समझ में आ गया। धन से बढ़कर बुद्धि। रघु ने धीरे से अर्जुन को पीछे खींच लिया। भाई, उसने विनती की, बूढ़े आदमी ने सही कहा था, यह खजाना हमारी आत्मा के लायक नहीं है। वीर ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके हम मूर्ख थे। अर्जुन हिचकिचाया। खजाने की अपनी इच्छा और अपने भाइयों की आंखों में डर के बीच फंस गया। अंत में भारी मन से अर्जुन खजाने से दूर हट गया। कंपन बंद हो गया, आवाज गायब हो गई। तीनों भाई चुपचाप खड़े थे। राहत मिली, लेकिन वो सबक सीख चुके थे। वो लालच में पड़कर खुद को खोने से बाल बाल बच गए थे। असली खजाना। वो गुफा से बाहर आ गए। उनके कदम पहले से हल्के थे। वो उस मैदान में वापस लौट आए जहां वो बूढ़े आदमी से मिले थे। वो अभी भी वहीं था, जैसे कि वो उनका इंतजार कर रहा हो। तुमने सही चुनाव किया है, उसने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। अब हम समझ गए हैं, वीर ने कहा। असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि वो सबक थे जो हमने अपनी यात्रा में सीखे। बूढ़े आदमी मुस्कुराया। वो शुरू से ही जानता था कि भाई बुद्धिमानी से चुनाव करेंगे। घर वापसी। तीनों भाई अपने गांव लौट आए, अमीर आदमी के रूप में नहीं बल्कि समझदार आदमी के रूप में। उन्होंने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव वाले उनकी बातें सुनते रहे। उनकी आंखें विस्मय और सम्मान से फैली हुई थीं। तीनों भाई खेतों में कड़ी मेहनत करते रहे। वो अपने साधारण जीवन से खुश थे। वो जंगल में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ साझा की। एक सीख। तीन भाइयों और छिपे हुए खजाने की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने एक याद दिलाने का काम किया कि असली धन दौलत में नहीं बल्कि साहस, करुणा और सही चुनाव करने की बुद्धिमानी में है। और इसलिए गांव समृद्ध हुआ सोने की वजह से नहीं, बल्कि उन संस्कारों की वजह से जो इसे प्रिय थे।